सोशल मीडिया इन दिनों लोगों के जीवन का खास हिस्सा बन चुका है, लेकिन यही सोशल मीडिया कभी कभी आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मेट्रो के अंदर एक लड़का लड़की लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की लड़ाई एक टी शर्ट को लेकर हुई थी, क्योंकि लड़की अपने टी शर्ट की कीमत 1000 रुपए बता रही थी। वही लड़के का कहना था कि ये टी शर्ट 150 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी। बस फिर क्या था, लड़की को इसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। बता दें कि दिल्ली मेट्रो की ये वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गुस्साई लड़की लड़के के ऊपर हाथ उठा रही है, जिसके बाद लड़के ने कहा हाथ मत उठाना, ठीक है। फिर जैसे ही वहां से जाने लगा, लड़के ने बोला चल निकल यहां से। लड़के की इस बात पर लड़की फिर घूमती है और बोलती है इज्जत कर रही हूँ, लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़की चुप हो जा। बोलते बोलते उसे 3-4 थप्पड़ और जड़ देती है और कहती है कि मेरी जिंदगी मत आइयो, और कहती है कि मेरे जिंदगी में मत आइयो। फिर लड़का भी गुस्सा होते हुए कहता है कि अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा। इसके बाद मेट्रो का गेट खुल जाता है और दोनों लड़ते हुए ही वहां से बाहर निकल जाते हैं। वही वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि मास्क पहनकर लोगों को लगता है कि वो पब्लिक में कुछ भी कर सकते हैं। वही दूसरे ने लिखा कि दोनों वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इन दोनों लड़का लड़की पर एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो पर अभी तक DMRC की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।